जनपद मुरादाबाद में यदि आप फर्जी मुकदमा लिखाने की कोशिश कर रहे हो तो जरा सावधान हो जाइए। मुरादाबाद की पुलिस ने अब ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। जनपद मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा थाने में फर्जी मुकदमे लिखाने वालों की अब जांच की जा रही है, जिनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। SPRA का ये कहना है कि लगातार ये देखा जा रहा था कि आपसी रंजिश के चलते फर्जी मुकदमे लिखाए जा रहे थे, जिसके बाद अब ऐसे लोगों की जाँच की जा रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। फर्जी मुकदमे लिखाने वालों की अब खैर नहीं। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग दूसरों को फंसाने के लिए रंजिशन फर्जी मुकदमे लिखवा देते हैं और बेगुनाह लोग उसकी सजा भुगतते हैं। इसी को लेकर मुरादाबाद पुलिस ने एक मुहिम चलाई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखने के बाद पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर अग्रिम कार्यवाही की जाए। जब इस बाबत SP देहात विद्यासागर मिश्रा से बात की गई तो SP देहात का कहना था कि अपने साथी और पड़ोसी को व्यक्तिगत रंजिश निकालने के लिए या व्यवसायिक हित को साधने के लिए फर्जी मुकदमा लिखवा देते हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखना पुलिस की बाध्यता है, लेकिन विवेचना में फर्जी साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पुलिस धारा 182 के तहत माननीय न्यायालय को रिपोर्ट प्रेषित करती है, ताकि ऐसे फर्जी मुकदमे लिखवाने वाले प्रवृत्ति के लोगों को सबक मिलना चाहिए, जिसमें आरोपी को 6 माह की सजा या 1,000 रुपए का जुर्माना होता है। मुरादाबाद पुलिस ने 1 साल के आकलन के बाद ऐसे मामलों पर कार्यवाही के लिए माननीय न्यायालय को अपील दाखिल की है। सबसे ज्यादा ऐसे मामले मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा थाना क्षेत्र में सामने आए हैं। इस थाने में 9 मामले फर्जी पाए गए। ऐसी प्रवृत्ति के लोगों को हतोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा। देखिए, हमारे द्वारा विगत 1 वर्ष के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया, जिसके आधार पर यह पाया गया कि अपने व्यक्तिगत रंजिश को निकालने के उद्देश्य से या किसी अन्य व्यवसायिक हित को साधने के उद्देश्य से लोगों के द्वारा अपने पड़ोसी, अपने साथी या अन्य किसी को फर्जी मुकदमे में फंसाने की एक प्रवृत्ति बढ़ चली है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना पुलिस की बाध्यता है और यह कानूनी आवश्यकता भी है, किंतु विवेचना से जब यह तथ्य पाया जाता है कि आयोजक द्वारा झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है, तो इसमें माननीय न्यायालय को 182 के अंतर्गत रिपोर्ट प्रेषित की जाती है, जो एक तरह से पुलिस के द्वारा शिकायत है कि इस व्यक्ति द्वारा अपने किसी को फंसाने के उद्देश्य से गलत साक्ष्य प्रस्तुत कर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। तदुपरांत माननीय न्यायालय द्वारा संज्ञान लेकर के उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। ऐसे प्रकरणों को चिन्हित किया जा रहा है और इस प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है। सर, मुरादाबाद जिले में सबसे ज़्यादा ऐसे मामले किस थाने में हैं? अभी ठाकुर द्वारा में ऐसे मामले प्रकाश में आए, जो व्यक्तिगत रंजिश के वजह से पड़ोसी को फंसाने के उद्देश्य से गलत तरह के अभियोग पंजीकृत कराने के मामले प्रकाश में आए हैं। अच्छा, कितने मामले में? करीब 9 मामले प्रकाश में आए हैं और सभी में 182 के अंतर्गत रिपोर्ट प्रेषित की गई है।